कान्हा, अरे अरे, मैं इससे ज्यादा क्या करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ रेवती। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रेवती, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अरे कान्हा, मेहरबानी करके उठ जाओ। प्लीज, प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उठ जाओ। प्लीज कान्हा। कम ऑन बॉयज, मैं भी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे वो पैरों में गिर गई। देखा, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, अब तो यकीन हुआ। हाँ। इनके प्यार में कितनी गहराई है। ये बोल क्या रही है? हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसा बोलते हुए रोने लगी है वो। उन्हें गाँव को पता है, सभी लोग इस खुशी में एक साथ मिलकर खड़े हैं। अगर उन्हें पता चल गया जो तुम कह रहे हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कान्हा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम मेरे भाइयों को जानते हो ना। अभी क्या बोल रही है? हम इस गांव में नहीं रहेंगे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे लिए तुम जरूरी हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम बस मुझे हाँ कह दो रेवती, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पागल हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो, उसी में भलाई है। इसके बाद मैं सब बताता हूँ, अगर ये शादी है तो मुझे जिंदा नहीं देख पाओगे। तुझे कैसे पता? फीलिंग है यार। व्हाट अ लव, व्हाट अ लव मुंबई बॉयज, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प बॉयज, प्लीज हेल्प। अपना हीरो आ गया। यार हम लोगों ने एक फैसला कर लिया। नहीं यार वो नहीं। अरे तुम कुछ मत बोल। हे भाई, क्या है कि तेरी लव स्टोरी देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची। सुनो, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब आने वाले हैं, सारे गांव में कटआउट लगाना है, तुम लोग पीकर समय नहीं खराब करना। कैसी दुनिया है यार ये, दिल को जो पसंद है उसके साथ जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तुम्हारे साथ कितनी आशाएं जुड़ी हैं, और एक कौवे के सर जैसे आदमी से तुम शादी करने जा रही हो। दिमाग है कि नहीं तुम में? तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उन लोगों की मूंछें बड़ी हैं, उन लोगों का दिमाग बड़ा है क्या? वो खुद नहीं पढ़े इसलिए तुम्हें पढ़ाया, इतनी पढ़ाई करके भी तुम में दिमाग नहीं है रेवती। तुम जानती हो हफ्ते में मैं 3 दिन जागता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देख सकूँ, इसलिए। तो ऐसे कैसे किसी के साथ शादी करके जा सकती हो? तुम जिस घर में नहीं रहोगी वो कोई घर है? वो तो सुनसान जंगल है। एक बार भी अपने घर को सर उठा कर देखे बिना कैसे रह सकती हो तुम? छोड़ बे काना, इस बात को भी जिंदगी में सह लेंगे, उसको तो कल देखता हूँ। काना, काना! अरे ये यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ क्या बैठा हुआ है? ज्यादा पी लिया है। ए काना, चलो 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 उठाओ इसे। काना, अरे क्वार्टर पीने वाला आदमी पूरा खंबा पी के पड़ा है यार, अब तो ये 2 दिन भी नहीं उठेगा। ए काना उठ, चलो संभाल से, उठाओ इसे आराम से, आराम से, आराम से, चलो ले चलो, चलो चलो चलो, डालो डालो डालो, गाड़ी में अंदर डालो इसे। अरे क्या कर दिया इसने, खंबा पूरा चढ़ा लिया। अरे भाई आहिस्ता से डालो, आराम से, चोटा लगे, आराम से, आराम से, प्यार से डालो। भाई लगता है ज्यादा पी लिया, कुछ करना होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं बताना। ऐसा है कि सगाई मंदिर में है, तो गाड़ी निकाल, हम उसी में प्लान करेंगे, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना होशियार हो जाएगा। चल गाड़ी में जा। ए अरे गाड़ी के अंदर जाने को बोला। ठीक है ठीक है, बेवकूफ, चल जल्दी बैठ। सुन यार, तू रेवती से बात करके उसे यहाँ लेकर आ, हम लोग आखिरी बार उससे पूछेंगे। ए हाँ? भीड़ देख रहे हो ना? हाँ? कल शादी है, आज जाकर पूछा तो। कल शादी है ऐसा बोलोगे? ए पागल हो गया क्या, कल शादी होने वाली है। अभी तक नल्ला तंबी, हमने जो बात की थी वो अलग थी, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बॉम्बे की टेक्निक है, तुझे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। जा बुला कर ला। मैं कैसे डील करूंगा, तुम लोग दूर से देखना, तू चल मेरे क्या साथ। बात हाँ? समझ गया। ये आगे क्या करेंगे समझ में नहीं आ। अगर ये शादी ढंग से हो गई ना तो मेरा धंधा बच जाएगा।
अरे आज तुम लोग कहाँ चले गए थे? दो खंभा रखा हूँ, फुल पार्टी है आज। और भी लड़के वालों की तरफ से तीन लोगों को पकड़ के रखा है, आज उनके साथ जुआ खेलेंगे और उनको पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे। और क्या है ना, देख यार 18 तरह का खाना बनाया इन लोगों ने। वाह, सारे के सारे खाने टेस्टी, खा करके मजा आ जाएगा। चूहे मारने की दवाई भी खाने में मिला दूंगा, तब तू खाना खाएगा? हमेशा खाने की बात करता रहता है, वहाँ खाना कितना परेशान है यार। क्या कहा? उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। देख कैसे भी उसे बुला कर लेकर आ, उससे बात करनी है यार। तुम लोगों की टीम में मैं नहीं हूँ, मुझे भूल जाओ। ए, टकले इधर आ। काना कल रात को फैसला कर लिया कि रेवती नहीं चाहिए, वो आखिर अच्छा, गिफ्ट देने के लिए रखा है, वो देने के लिए तू एक काम कर, उसे बुला कर ले आ। काना ने प्लान चेंज कर दिया, अब जाके मेरे मन को शांति मिली। देखो भाई, तुम्हारे दोस्ती की वजह से मैं उसे बुला के लाने को तैयार हूँ, आज उसे वो गिफ्ट देगा, हो सकता है उसे लिप टू लिप किस करे। अब वो क्या करेगा ये सब तो मुझे नहीं पता, चलिए सारा किस्सा आज ही खत्म होना चाहिए, इतना रिस्क लेके काम कर रहा हूँ। जल्दी कर। आपको वहाँ कोई लाइन मार रहा है, उधर देखो रेवती, वो काना तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया, वहाँ बुला रहा है, एक बार जाके देखो। इस वक्त मेरे घर वाले जाने नहीं देंगे। अरे रे रे रे, बोल दो फोटो निकलवाने जा रही है, वो लोग विश्वास कर लेंगे। जाओ जाओ ना, समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। अच्छा ये बात है। देखो बेटी तुम छोटी हो, इनके साथ मत रहो। हाँ गुड गर्ल, चलो बेटी जाएंगे, आजा आजा। तुम लोग क्यों आ रही हो? दुल्हन के साथ के लिए। अरे रे रे रे, वहाँ सब लोग नशे में टल्ली है, मैं अकेला कितने लोगों को बचा पाऊंगा तुम्हें बताओ। तुम लोग यहीं रुको, मैं इन्हें लेके आता हूँ। हैं? आप लोग कौन है? हम लोग दूल्हा के घर से हैं। ये देखने जा रहे हैं कि तैयारी कैसी हो रही है। अरे जब लड़की के घर वालों को फिक्र नहीं है तो तुम लोगों की इतनी फिक्र क्यों है? मंदिर के बाहर इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, उनसे जाके मिलो, हमारी फिक्र मत करो, समझे? अरे तो चिल्ला क्यों रहा है गंजे, चल जा यहां से। चलो बेटी, चलो भाई, चलो। इतने सारे चेक पोस्ट है, क्या बताऊं। आइए आइए आइए। हाँ ये फ्रेंड्स हैं, मुंबई से आए हैं, काना के फ्रेंड। गुड बॉयज, गुड बॉयज। अरे काना अंदर है, आप आइए तो सही, देखिए। कम इन। हाँ आइए, जाओ जाओ गिफ्ट देकर, जाओ जाओ ले लो जाओ। अंदर जाने से पहले इस रुमाल को सूंघ कर जाओ। ऐसा क्यों? बहुत खुशबू आएगी। वो पागल नहीं है, हमें पागल बना के यहाँ से फुर हो गया वो। वो रेवती को कहाँ लेकर जा रहा है? सुनो, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, मैंने भी अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा, बस इतना याद रखना। अंकल अंकल, आपने रेवती दीदी को कहाँ भेजा है? हाँ बे, हाँ बे, अरे साहब की शादी रुक गई, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे भैया बाहर निकाल, आज तुझे काट कर रख। इनोवा कार मेटालिक कलर में है। हाँ भाई नंबर मैं नहीं जानता, हर चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दो, सभी इनोवा कार को चेक करने के लिए बोलो, मिल जाए तो मुझे तुरंत फोन करो। हाँ भाई ठीक है। कहाँ है वो लोग? सच में हमें कुछ नहीं पता। सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, बताओ सच, सच बताओ, वरना जान से मार दूंगा, बताओ। अरे जब सच्चाई है ये तो दूसरी बात कहाँ से बताओ? फिर बोल रहा है? मैं नहीं जानता हूँ, बोल रहा हूँ ना, फिर भी क्यों मार रहे हो? अरे इस तरह से उससे मैं बात मत कर। अरे ये क्या, इन्हें बच्चों के जैसा क्यों मार रहे हो तुम लोग? अच्छे से कूटो, बता बता। अरे सुनो सुनो, मैं दिखाता हूँ कैसे कुटाई करते हैं। बोल बोल, अरे बता सच सच बता, बोल। चल सच सच बता। आप मुझे लातों से मारो या हाथों से मारो, जो जानता था सब बता चुका है। सुनिए भाई, आप मुझे कभी भी मार सकते हो, पहले दीदी की बात तो सुन लो। क्या है? कल रात रेवती से बात करके यही उसे ले गया था। आप आग में और घी डाल रही हो क्या? hey! भाई काना ने कहा कि वो उसे कोई गिफ्ट देना चाहता इसलिए उसे लेके आओ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसे लात घूसे खाने पड़ेंगे, मुझे कुछ नहीं पता सच कह रहा हूं, छोड़ दीजिए भाई। रेवती की कोई फोटो खिंचवाने के लिए ये उसे बाहर ले गया था और अब देखो झूठ बोल रहा है। बाप रे बाप, सारे गवाह स्ट्रांग दिखाई दे रहे। चल उठ, अब सच्चाई बता। भाई वो गिफ्ट लेने जाती तो फंस सकती थी, इसलिए फोटो निकालने का बहाना बनाया है। तो ऐसा लगता है कि मार खा के मेरे फोटो पे हार लटकेगा। कितने दिनों से ये प्लान चल रहा था? और ये जो तुम्हारी दुकान में 30-20 लिखा है वो क्या है? वो तो कान्हा ने लिखा है,
मुझे लगा वो दूध का हिसाब लिख रहा है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से मैं फंस जाऊंगा। तूने ही ना मंदिर में रेवती और कान्हा को मिलने में मदद की थी। क्या मालूम था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा सर। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए साहब। इन सब ने मिलकर उसे हेल्प की और बच्ची का किडनैप किया है। ऐसे पूछने पर ये सब कुछ नहीं बताएंगे। पुलिस स्टेशन में ले जाकर FIR फाइल करेंगे, उसके बाद अंदर डालकर अच्छी तरह पूछताछ करेंगे, तब ये बताएंगे। केस क्या डालोगे? अपहरण का केस डालेंगे। किडनैप केस? वो लड़की भी खाना से प्यार करती है, नहीं तो साहब की बेटी को उठा कर ले जा सकता था क्या? ए टकले तू चुप क्यों है, कुछ बताना। ए तू चुप कर, ये बता रहा हूं। अरे चुप, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। कहां ले गए हो हमारी बेटी को, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे कैसा बदतमीज लड़का पैदा किया तुमने, हमारे खानदान की लड़की की तरफ नजर उठाया उसने, काट कर रख दूंगा उसे मैं। छोड़िए, बचा सकता है तो बचा लो अपने बेटे को। अगर हमारे बेटे ने गलती की उसके लिए वो हम दोनों को मारना चाहता है तो मारने दीजिए उसको, और देखिए हमारे बेटे का हमसे कोई संबंध नहीं है। कोई राग सुनाई दे रहा है क्या, बताना। ए टकले, तेरे पास कोई रुमाल है क्या? क्यों बे? नहीं, MLA की बेटी आई है। मैं और वो क्लासमेट है। अगर तुम रुमाल दोगे तो खून को पोंछकर सुंदर दिखूंगा। तुझे जान देने का बहुत शौक है क्या? बल्ब में हाथ रखेगा तो चलेगा, स्विच पे हाथ रखेगा तो भी चलेगा, लेकिन कोई ट्रांसफार्मर में उंगली डालता है क्या? ऐसे घटिया लड़कों के साथ दोस्ती करने से ही मेरे सर के बाल उड़ गए। हंस ले बेटा हंस ले, इसी हंसी हंसी के चक्कर में आज मेरा ये हाल हो गया है। अभी मैं अपने दुकान में चैन से बैठा होता, पूरा चेहरा खून से लाल हो गया, फिर भी लड़की को लाइन मार रहा है। चिंता मत करो तुम, इंडिया के जिस कोने में भी तुम्हारी बेटी होगी वहां से कल सुबह तक तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की होगी, इन लोगों ने उसे बहला फुसला कर उसे किडनैप किया। अपनी बेटी को ऐसे नहीं पाला है। सुनो, इस गांव के लोगों ने हमें धोखा दिया है। हाँ भाई, मेरी होने वाली दुल्हन को जिसने किडनैप किया है वो चाहे कहीं भी हो उसे सामने लाएंगे। चलो। हाँ चलो, बेइज्जती करके चली गई ना हमारी प्यारी बेटी। प्यारी बेटी हमेशा बोलते थे ना, अब क्या हुआ, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई वो। हम कुछ भी कहते थे तो कहते थे बिन माँ की बच्ची है, मैं इसे बहुत प्यार दूंगा, मैं ही इसका सब कुछ हूँ, अब क्या हुआ? वो हमारे घर की बेटी को ले गए हैं, उनके मुँह में कीड़े पड़ेंगे, उनको तो मैं ही मार डालूंगी जान से। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, हम लोगों की इज्जत दांव पर लगाकर इसे तो मैं ठीक कर दूंगी, एक बार सामने तो आ जाए। अरे वो लोग गुंडों को लेकर निकल रहे हैं, मेरे बेटे के हाथ पैर तोड़ देंगे, आप उनके पैर पड़िए और मेरे बेटे को बचा कर लाइए। जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं उसके सामने जाकर हाथ क्यों जोड़ू? अगर तुम्हारा बेटा मिल गया ना तो वो लोग छोड़ो, मैं ही जाकर उसे काट कर रख दूंगा।